No, kurang. Aduh. Tu nahi pachuga. Tu nahi pachuga. Tu nahi pachuga. मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ऐसा कहने से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। देखकर बहुत मजा आ रहा है, बहुत क्या लगता है तुझे छोड़ दूंगा मैं। अब तुम्हारे अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू। पर ये आँख नहीं है क्योंकि तोड़ दी है, तोड़ दी है, तोड़ दी है। अब इसका अंतिम संस्कार निकट है। अब ये नहीं बचेगा, नहीं नहीं आज देखता हूँ किस वक्त क्या हुआ है। अभी तक वैसा है लेकिन आँख अभी तक भी वैसी है, है, है। अब तो ये नहीं बचेगा। अब ये क्या चीज अपना कमाल दिखाएगी। नहीं छोड़ूंगा, अभी भी जान है, कैसा इंसान है। अब ये क्या चीज अपना कमाल दिखाएगी। नहीं छोड़ूंगा, अभी भी जान है, कैसा इंसान है।
हाँ जी, जिथे जिथे हेलो जी, सत श्री अकाल सारिआं नूं। ते ये जो लाली है तुसी देख रहे हो, ये चुल्हे विच बल रही है अग। ते अज असी बनाउण लगे हां साग। ते साग दी तैयारी सुबह तो शुरू हुई सी, इस नूं टोटल घंटे लगे 8, क्योंकि पहला असी लैके आए साग तोड़ के, ते उस तो बाद लकड़ी का इंतजाम किया। लकड़ी का इंतजाम करन तो बाद लकड़ी जदों घर लैके आ गए तो उसनों कटिंग करनी, ते 2-3 घंटे कटिंग नूं लग गए। ते शाम हो गई, शाम नूं फिर असी ने तैयारी की, साग नूं धो के सुकाया थोड़ा, ते कटिंग किया। ते उस तो बाद असी लैके आए चुल्हा, जिसका रेट है 200 रुपये। तो पहला असी बनाउण लगे सीगे इट्टां दा, भी इट्टां दे नाल आपां चुल्हा बना लैंदे आ, पर फिर अपने मन दे विच ख्याल आया कि जो कई वारी जदों आपां अग घटाउने जां वधाउने आ जो लकड़ी दे नाल, ते ओह इट्टां बिखर जांदियां ने, ते अपनी जो 8 घंटिआं दी मेहनत ते पाणी फिर जाणा सीगा। इस करके फिर सारे काम करन तो बाद लाठ दे विच असीं गए 200 रुपये दा लै के चुल्हा। ते हुण चुल्हे दे विच बल रही है अग, ते चुल्हे दे उपर रख्या है असीं साग, ते रोटी अज आपां साग दे नाल ही खाणी है। पर एक थोड़ा अज मिसिंग हो गई है, क्योंकि असीं मक्की दा आटा लिआउणा भुल गए। जदों अगली वारी आपां साग बनावांगे ते फिर मक्की दी रोटी नाल, ते नाले असीं खावांगे ते नाले तुहानूं वी खवावांगे, ते तुहानूं असीं वधिया तरीके दे नाल दस्सांगे कि जो मक्की दी रोटी है किस तरह बनती है। तुसीं भी घर दे विच बनाउंदे हो जो रोटी बनाउंदे हो, टुट जांदी है साइडां तों, पर उहदा बहुत ही वधिया तरीका, बिल्कुल ही साबत रोटी, तुहानूं पता चलेगा भी ये मशीन दे नाल बनी आ, जाके असीं बनाई आ हत्थ दे नाल। हाँ जी, ते हुण असीं थोड़ा करदे आ इंजॉय बच्चिआं दे नाल, ते थोड़ी आपां खावांगे मूंगफली, ते उस तो बाद साग नूं अजे टाइम लगेगा। ये जो लाइटिंग दिवाली तो पहला कीती सी, पर आपां ने कोई हुण तक दिवाली दी वीडियो नहीं पाई सी, ते वैसे ही शूट करन दा मन नहीं कीता। ते सामने लाइटिंग, घूमन दा अपने कोले बहुत ज़्यादा वधिया तरीका है, ते सुबह शाम दौड़ भी लगाउण जांदे आ। ते यही रस्ता है, सामने गेट सड़क ते निकल जांदा है, ते बहुत वधिया लगदा है जदों असी सड़क ते घूमदे आ ते दौड़ लगाउंदे आ। साग रिझणा शुरू हो गया है, ते आपां इहदे विच जो हरी मिर्च पीस के, ते अदरक लहसुन, ते जो साबत टाइप एक लाल मिर्च होंदी आ, मतलब हाफ पीसी हुई होंदी आ, वो पाउणी बहुत जरूरी है, क्योंकि उहदे नाल ही ज़्यादा जायका बनता है। ते हुण इस नूं 1 घंटा तां घट्टो घट्ट लग ही जाएगा। सामने बिल्कुल चंद्रमा दिखाई दे रहा है, ये देखो। मुट्ठी दे विच बंद कर लिया है आपां चंद्रमा नूं, तुसीं भी कर सकदे हो बंद। हेलो,
हाँ जी, आज फिर साग नाल रोटी खानी है। हाँ जी। लो जी, आज बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश ने, क्योंकि हमेशा अंदर ही रहते ने, क्लासा तो चल दिया ने, शनिवार एतवार क्लास नहीं चलती, तो स्कूल बंद ने, टाइम पास होंदा नहीं। चलो भी हुण बच्चे वधिया बाहर घूमते रहते ने, इत्थे ते नाले अज इंजॉय कर रहे ने। बड़ी खुशी है बच्चों कि अज दूसरी बारी साग बन लगे, काफ़ी एक महीना पहला बनाया सीगा साग, महीना डेढ़ महीना हो ही गया है, पर हुण तां साग की कोई कमी नहीं है। खेतों के जाओ नाले मूलियां सलगम किन्ने मर्जी लैके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह वॉक ते जाने घूमन, तो नाले वॉक करके आने, तो नाले आपां मूलियां वगैरह लै आने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इत्थे लागे सागे खेत बड़े ने, तुसी बिल्कुल पता बिल्कुल ही एक ही टी शर्ट पाई है, नीचे भी नहीं पाया कुछ, ना के जैकेट भी नहीं पाई है, इन्नी ज़्यादा सर्दी है। की गल, जिन्ना चिर खेड रहे सीगे उन्ना चिर गर्मी आ रही सी, तो हुण ठंड लगनी शुरू हो गई है। सेक लो ना, अग सेक लो। तो अज साग चढ़ाया चुल्ले, ते सानू रब दा ना ना भुल्ले। लो जी, हुण साग नू पै रिहा घोटा, इन कहते हैं घोटना। तो जो घोटना पैदा है साग के, फिर मखनी वर्गा बन जाए बन जाता है साग। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, क्या टैलेंट है घोटना घुमाउण दा, है बहुत अच्छे बहुत अच्छे। खिच के रखो कम, खिच के रखो कम, खिच के। मम्मा जी हुण तां जल्दी करो, साग नूं खाण वास्ते मैं तरस गया। बस घोट दिए साग, साग आलण लाना जरूरी है साग में, इदा थोड़ी खाऊंगे बच्चे। मम्मा जी। हाँ जी। जेड़ा आलण है ना। हाँ जी। आलण किधर लगता है? आलण मक्की के आटे का, इधर बीच पौधे होंगे आटा। मम्मा जी। हाँ जी। आलण क्या होता है? आलण होता है आटा, चाहे मक्की दे आटे का भी ला सकते हैं आप, कणक दे आटे का, बेसन का भी लग जाता अगर नहीं होंगे कई बार अवेलेबल मक्की का। आटे तो मैंने याद आया कि हूँ तो रोटी भी बना रही है, रोटी को भी कितना टाइम लगेगा। हां जी, इधर टेस्ट बढ़िया हो जाएगा साग का नेचुरल। तो अब और निकल रहे हैं, नहीं अपन आलण लाने हैं। ये साग खाना तो फिर तू आता लगू भाई। हां जी, ये जड़ा साग का टेस्ट है, धुआं पै के ही वधिया बनता है। सेक भी तो रहे हैं अपा फिर ठंड तो। हां जी, हां जी, धुआं नहीं जाता, नाले अग भी सेक दे रहो ते नाले धुआं पएगा, ते फिर ही साग का टेस्ट। तुसी उधर घूम लो, घूम लो उधर, घूम लो। थोड़ी चंगी तरह घोट दो साग, मखनी बना दो बिल्कुल, देसी घी का तड़का लाना। अच्छा, गर्मी के बच्चों भी असं स्पैशल छुट्टी आते सर्दियों के जो कि साग का टाइम होता सी, तो फिर परमानेंट साग ही चलता सीगा। तो साग है अपना बहुत ज़्यादा फेवरेट, तो पंजाब की डिश भी है, तो सारे तुसीं जानते हो कि जो साग का ना आता है तो ना फिर पंजाब का भी आता है, इस करके ये है पंजाबियों की डिश, सरसों का साग ते मक्की की रोटी। हुण असी लगे शुरू करना, तो फिर मिलते हैं किसी होर वीडियो दे विच, उदों तक रब राखा, सत श्री अकाल। ओ मक्की दीयां रोटियां ते सरों दा साग, जिहड़ा खा लैंदे खुल जांदे भाग। हांजी पुत्र जी, किदां लग्गिया फिर साग, वधिया बणिया? बहुत वधिया बणिया है। हांजी बोलो। बहुत वधिया बणिया है, बोलण नूं वी दिल नहीं करदा इहदा। हांजी हुण आपां वीडियो करदी आ, तुसीं वी सोचदे होणे कि अज साग साग ही हो रही आ, ते वीडियो साग दी ते साग ही होणा सी। हाँ जी, ओके बाय,
गुड नाइट जी।